क्लास 9 लेक्चर नंबर 13 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर के एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, देखें अपने सामने। सवाल नंबर 1, कौवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों को अभी नहीं मिले हुए क्वेश्चन आंसर इसके, तो आपको मिल जाएंगे, शायद देर से मिलें, लेक्चर आपका पहले हो जाए तो आप फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है? पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा होता है। आंसर भी छोटे छोटे हैं, आप बुक पर भी मार्क करके कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं? बंदूक चले तो कौवे से ज़ाती तौहीन समझते हैं और दफ़तन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं और इस कदर शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। ये भी एज इट इज़ बुक में से है, इसको भी आप बुक पे मार्क करके वहाँ से याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर हमारे अदब का है। बुलबुल के गाने की क्या वजह है? बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। बुलबुल इंसानों को महसूस करने के लिए हरगिज़ नहीं गाती, बल्कि उसे अपने फ़िक्र ही नहीं छोड़ते। बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? बुलबुल बहुत से मौसीकारों से इसलिए बेहतर है कि एक तो वह घंटे भर का आलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है वगैरह वगैरह। भैंस का क्या मशगला है? भैंस का मशगला जुगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है? भैंस इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है क्योंकि इसका हाफजा कमज़ोर है और इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। उल्लू की कितने किस्में बताई जाती हैं? उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? उल्लू को वही पसंद करता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मद्दा हो। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब बेसुध है। बिल्ली कितने अरसे में सिधाई जा सकती है? बिल्ली 1 साल में सिधाई जा सकती है। शफीकुर रहमान के अफसानों के पहले मजमुए का क्या नाम है? शफीकुर रहमान के अफसानों के पहले मजमुए का नाम किरने है। कौवा कहाँ मसरूर रहता है? कौवा बावर्ची खाने के पास मसरूर रहता है। काफ़ी ज़्यादा है, ये 14 है, लेकिन इसमें मुख्तसर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल की बात नहीं है। चंद क्वेश्चन ही हैं जो ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा तो हैं वो मुख्तसर ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है, दुरुस्त है ये, टिक लगेगा यहाँ पे। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत उदास रहता है, गलत, खुश रहता है वो, मसरूर रहता है, उदास, ये गलत होगा। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, टिक। उल्लू शहरों में रहता है, क्रॉस। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है, दुरुस्त, टिक आएगा इसमें भी। सवाल नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज में से मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। कौवा ग्रामर में हमेशा डैश इस्तेमाल होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गलत, ज़्यादा, मुजक्कर या मोनस। तो कौवा मुजक्कर इस्तेमाल होता है, ये सबसे पहला जो सेंटेंस ही यही है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत डैश रहता है, मसरूर इसका आंसर है लास्ट वाला। कौवा डैश नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता, गा। बुलबुल एक डैश परिंदा है, बुलबुल रिवायती परिंदा है। डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 84 पे, डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस इसका दूसरा आंसर है, बिल्ली भी नहीं है, चिड़िया भी नहीं, बुलबुल नहीं, भैंस है इसका आंसर। भैंस के डैश शक्ल सूरत में ननिहाल और दधियाल दोनों पर जाते हैं, भैंस के बच्चे। उल्लू की डैश किस्में बताई जाती हैं, 20। बिल्लियों की डैश किस्में बताई गई हैं, कई, इसमें कई आएगा, अनगिनत भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, नायाब भी नहीं, कई इसका आंसर है। उसके बाद मुतजाद हैं, मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। सुबह का मुतजाद होगा सुबह शाम, स्याह सफ़ेद, तेज़ आहिस्ता, सुस्त नहीं हम करेंगे क्योंकि सुस्त का चुस्त होता है, तो तेज़ आहिस्ता, असली नकली, पक्का कच्चा, खराब सही या दुरुस्त या सही, दोनों ही हो सकते हैं ख़राब के। मोहब्बत, नफ़रत, रोशन, तारीख। एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें।